Welcome in our computer class. Subscribe this channel, like and share of this video. Press the bell icon. Class 5th, lesson 1st, evaluation of computer. Today we will discuss the exercise and question answer of this lesson. Firstly, we discuss the exercise of this lesson. Open your page number 14. फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट देखिए, ए पार्ट ए का फर्स्ट देखिए. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्लैंक्स हैं. तो यहाँ पर मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी हैं पहले से. आप यहाँ से देखकर राइट कर सकते हैं. अगर आपने नीचे से नंबरिंग जहाँ पर की है इसके अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पर देख कर फिल कर लीजिए. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट है ये हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स, यहाँ पर कंप्लीट है. नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट बी पार्ट फर्स्ट देखते हैं हम इसका. तो देखिए फर्स्ट जो हमारे यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दी है हमें, आप अपनी बुक में भी जाकर देख सकते हैं. आप अगर लेसन रीड करेंगे तो आपको ये ट्रू फॉल्स जो है खुद ही समझ आ जाएंगे. तो देखते हैं फर्स्ट का जो आप देखेंगे इसका आंसर जो हमारा है ये फॉल्स है. तो सेकंड देखेंगे, सेकंड का हमारा जो ट्रू है. आप अपनी बुक के रीकैप में देखेंगे 14 पेज के ऊपर, तो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में भी यहाँ पर लिखा हो, आप यहाँ से आंसर देखकर लिख सकते हैं. तो इसका ये आंसर ट्रू है. थर्ड देखेंगे द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट नहीं है. ये यहाँ पर सेकेंड जनरेशन की जो ऑप्शंस है तो यहाँ पर ये फॉल्स है. फोर्थ देखते हैं, फोर्थ भी आप देखेंगे तो फोर्थ का जो आंसर यहाँ पर उन्होंने किया है ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. तो फिफ्थ जो है ये हमारा ट्रू है. तो अगेन देखते हैं, फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, तो फिफ्थ जो हमारा है ये ट्रू है. तो नेक्स्ट देखेंगे हम, पार्ट ए और बी हमारा कंप्लीट है. नेक्स्ट पार्ट है इसका सी. अपनी बुक का 15 पेज निकाल लीजिए, वो मैं आपको करवाती हूँ. सी पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए फर्स्ट है जो हमारा, इसके आप बी के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. तो सेकंड जो वहाँ पर ए के ऊपर टिक करेंगे, ये इसका राइट एग्जांपल है ये. तो थर्ड जो हमारा, इसका भी ए के ऊपर टिक कर दीजिए. तो जो फोर्थ है, द मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो ये भी बी के ऊपर करेंगे. फिफ्थ है जो इसका सी का लास्ट, इसके सी के ऊपर करेंगे. अगेन मैच देख लीजिए, फर्स्ट के बी को टिक करेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी. आप यहाँ से टिक कर कर भी कर सकते हैं. अगर आपने ब्लैंक्स फिल करनी है तो आप देखकर यहाँ से फिल कर लें. यहाँ तक हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट है. नेक्स्ट आप इसी पेज के ऊपर डी पार्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग. बेटा आप अपनी बुक के ऊपर देखिए, अगर आपने ये लेसन रीड किया हुआ है तो आपको ये मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो देखिए जो फर्स्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. इधर जो मैंने मैच किया आपको इजी लगे तो देखिए इधर भी नंबरिंग कर रखी है. आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं. देखिए ये वाला जो है मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, और जो सेकंड है यहाँ पर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को यहाँ पर. तो आप देखकर अपनी बुक के ऊपर करेंगे. नेक्स्ट है ई पार्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे. तो ई पार्ट का है जो देखिए फर्स्ट है, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस यूज इन द थर्ड जनरेशन. ऐसे सेकंड का आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फर्स्ट, सेकंड, ये भी यहाँ पर कंप्लीट है हमारे 15 पेज के. देखिए 14 और 15 की एक्सरसाइज कंप्लीट है ई पार्ट. ई का लास्ट देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, 16 पेज के ऊपर थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC. तो यहाँ पर जो ये किया ये ब्रैकेट्स है. तो आप यहाँ पर देखकर इसे कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट करते हैं हम अपना मेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट देखते हैं, राइट एनी टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो मैं आपको ये करवाती हूँ, आप अपनी नोटबुक के ऊपर कर सकते हैं.
फर्स्ट देखिए आप क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बनाए हुए हैं हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कोई भी 2 कर सकते हो। यहाँ से देखकर आप अपनी नोटबुक के ऊपर या बुक के ऊपर कंप्लीट करना चाहते तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, ये स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो देखिए फर्स्ट द मैंने आंसर यहाँ पर किया है, तो आप देखिए फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का हमने डिफरेंस बनाना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पर करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पॉइंट बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप पार्टीशन भी ऐसे कर सकते हैं, सेंटर में लाइन लगाकर इधर पॉइंट ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप ऐसे डिवाइड सेंटर में ऐसे देखिए कर सकते हैं लाइन लगाकर। तो नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड। हमने शॉर्ट नोट लिखना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट किए हैं, अगर आप 4 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर 5 के 5 करना है तो आप यहाँ से देख कर राइट कर लीजिए। ये इसकी यूजेस बताई गई है इसमें, और ये कैसे बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन है, तो हमने मेंशन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ आ कंप्यूटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग एनी 2 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही उन्होंने बोला है हमें करने को। इस क्वेश्चन में आप 2 कर सकते हो, अगर 3 करना है तो आप 3 भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका हम, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसका आंसर है, तो देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, यहाँ पर फर्स्ट लिख लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग को एनी 3, 4, 5 लिख सकते हैं, अगर 5 के 5 ही लिखना चाहते हो तो आप 5 भी लिख सकते हो। अगेन देख लीजिए, मैं इसके क्वेश्चन आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है हमारा आंसर, ये थर्ड का आंसर है हमारा, ये इस लेसन के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, और ये लास्ट जो हमारा है क्वेश्चन उसका आंसर है। इसके साथ ही हमारी ये इस बुक का ये फर्स्ट लेसन है, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।